चलिए अब हम बात करते हैं फर्म के इक्विलिब्रियम की। इससे पहले हमने बात की थी कि इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम क्या होता है पब्लिक कंपटीशन के अंदर, जहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इंडस्ट्री वहाँ पे वो प्राइस डिटरमिन कर देती है जहाँ इंडस्ट्री की डिमांड इंडस्ट्री की सप्लाई के बराबर हो। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ रहेगा। अब आप देखिए, इक्विलिब्रियम के मीनिंग में हम बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इक्विलिब्रियम है क्या। इक्विलिब्रियम का मतलब एक बैलेंस की सिचुएशन होती है जहाँ पे हम उस सिचुएशन से ना अबव जाना चाहते हैं ना ही उससे बिलो जाना चाहते हैं। इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर है, और जबकि फर्म के इक्विलिब्रियम की जब बात करें तो हम डिमांड और सप्लाई को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड और सप्लाई मार्केट के हाथ में है, प्राइसेस जो है वो मार्केट के हाथ में। फर्म का काम क्या है कि उस प्राइस को एज इट इज एक्सेप्ट करके अब नंबर ऑफ आउटपुट डिटरमिन करना कि मुझे कितना आउटपुट मार्केट के अंदर सेल करना है। तो फर्म इस इक्विलिब्रियम से ये डिसाइड करेगी कि मुझे वो आउटपुट जहाँ मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, जहाँ पे वो फर्म अपनी कैपेसिटी का फुली यूटिलाइजेशन कर रही है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। और इसी इक्विलिब्रियम के थ्रू हम ये डिटरमिन करेंगे कि फर्म का नंबर ऑफ आउटपुट कितना रहेगा। एक चीज मैं और बता दूं, मान लीजिए कि आपने बहुत बड़ा प्लांट लगा लिया, उस प्लांट में करोड़ों रुपए आपने खर्च किए, लेकिन उस प्लांट में आप 20, 25, 30 यूनिट की प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हो, यानी कि जिसकी वैल्यू लाख दो लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। उस केस में हम ये कह रहे हैं कि वो आउटपुट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि आप अपनी जो कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब साथ साथ ये भी हुआ इक्विलिब्रियम का, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप अपनी कैपेसिटी का, यानी फर्म अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही है, जहाँ पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकती है। सो दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब उस इक्विलिब्रियम आउटपुट को पता लगाने के लिए हमें टू कंडीशंस जो है वो बता दी गई है कि फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ मिलेंगे या उस आउटपुट लेवल पे मिलेंगे वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट, एंड सेकेंड कंडीशन इज वेयर मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। यहाँ पे ये कर्व की बात हो रही है जहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटता हुआ ऊपर की ओर जाए। अगर ये दोनों सिचुएशन है तो हम कहेंगे कि वो आउटपुट लेवल पे ही फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेंगे, फर्म अपनी कैपेसिटी का फुली यूटिलाइजेशन करेगी, इससे कम पे भी नहीं, इससे ज्यादा पे भी नहीं। तो आइए इसी चीज को हम इस इक्विलिब्रियम को एक डायग्राम से समझते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म और उसके डायग्राम की। इससे पहले हमने इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की बात की थी। ये हमारा, यानी हमारा से मेरा मतलब यहाँ पे फर्म से है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म से। एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे वी आर टेकिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट। आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो लेबलिंग करनी है उसका भी स्पेशल ध्यान रखना होता है, कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं तो हमारा पूरा डायग्राम गलत हो सकता है। अब आप देखिए कि हमने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने यही डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री ने ये ओपी प्राइस हमें सेट करके देती थी। इस ओपी प्राइस पे जब प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होता तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल रहते हैं और दोनों एक ही कर्व पे आ गए हैं, यानी ये एक ही कर्व में आपका एवरेज रेवेन्यू भी शो हो रहा है और आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी शो हो रहा है। अब इंडस्ट्री जो फर्म है उसका डिसीजन ये रहेगा कि नंबर ऑफ आउटपुट मुझे कितना सेल करना है, कितना आउटपुट मैं बनाऊँ, क्योंकि ये तो फर्म के ऊपर है। तो दो कंडीशन देखती है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑलरेडी है विच इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, नाउ वी नीड टू ड्रॉ अ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है इज ऑफ यू शेप, यानी पहले ये नीचे जाता है और फिर ये मिनिमम पॉइंट पे आता है, देन इट गेट इंक्रीजेस। तो आप देखिए कि फर्स्ट कंडीशन हमारी है इक्विलिब्रियम लेवल की, वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी। तो हम डायग्राम को देख के क्लियर कट ये पता लगा पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, और इसी पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये तो हमें देखते ही पता चल गया कि दिस इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी फर्म जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर ओपी प्राइस के ऊपर ओक्यू क्वांटिटी सेल करेगी। अब हमें ये देखना है कि इसी क्वांटिटी के ऊपर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों मिल रहे हैं, फर्म अपना मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज क्यों कर रही है। तो इसको मान लेते हैं, हम कुछ इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ कर देते हैं यू शेप में,
तो आप देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी एम आर इक्वल टू एम सी है, लेकिन अगर फर्म इतना आउटपुट बनाएंगे तो फर्म बहुत कम आउटपुट बना रहे हैं, अपने कैपेसिटी का फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम कहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी एम आर इक्वल टू एम सी है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करेगी आउटपुट लेवल इधर, तो ज्यादा आउटपुट बनाए में ही बनाने में ही फर्म का फायदा होगा। इसीलिए सेकंड कंडीशन इस वजह से ये बना देगी वेयर एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता हुआ ऊपर की ओर जाए। तो इस एक पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि ये जो सेकंड वाला पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। इसको मैं रब कर देती हूँ फिर से। आप देखिए दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, दिस इज हाउ अ फर्म डिटरमिन द लेवल ऑफ आउटपुट ओक्यू एट ओपी प्रेस। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर फर्म को किस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है अगर वो इक्विलिब्रियम को हम कंसीडर करते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि शॉर्ट रन में कोई भी फर्म किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर से, किसी भी कंपटीशन स्ट्रक्चर से बिलोंग करती हो, वेदर वो मोनोपोली फर्म है या फिर ऑलिगोपॉली है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है या फिर मोनोपोलिस्टिक फर्म है, कोई भी फर्म शॉर्ट रन के अंदर उसे इनमें से कोई भी तीन सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। आई रिपीट, इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन, कोई भी एक सिचुएशन एक फर्म को फेस करनी पड़ सकती है। या तो वो शॉर्ट रन में उसकी किस्मत बहुत अच्छी है फर्म की कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय कर सकती है, जबकि नॉर्मली ऐसा शॉर्ट रन में कम होता है। अगेन वो नॉर्मल प्रॉफिट भी उसको मिल सकते हैं, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो सकती है, या फिर शॉर्ट रन में लॉस भी हो सकते हैं किसी भी फर्म को। तो आज हम इस शॉर्ट रन सिचुएशन में इसी तीनों सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट कब होगा उसका, नॉर्मल प्रॉफिट कब हो सकता है और फर्म को लॉस कब हो सकते हैं। एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि ऐसा क्यों होता है शॉर्ट रन के अंदर ही, बिकॉज वी नो दैट शॉर्ट रन इज अ सिचुएशन वेयर सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। हम सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लो मार्केट में एकदम से डिमांड बढ़ गई और टाइम पीरियड कम है, तो हम नई मशीनरी इम्पोर्ट नहीं कर सकते, हम नई लैंड नहीं लगा सकते, लेकिन हम कुछ हद तक अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। वो ये है कि हमने रॉ मटेरियल बढ़ा लिया, लेबर को बढ़ा लिया। इसीलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर तो हमारे फिक्स रहते हैं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए प्रोड्यूसर एक लिमिट तक अपनी सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, बट बिल्कुल इक्वेट नहीं कर सकता। इसलिए उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लॉस होने का रीजन ये रहता है कि शॉर्ट रन के अंदर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसको कवर होने में अभी टाइम लगेगा, तो आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस, हम प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे कि प्रॉफिट कब होगा फर्म को। अब आप देखिए कि प्रॉफिट और लॉस को डिटरमिन करने के लिए हम हमेशा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को ही कंसीडर करेंगे, यानी हमारे पर यूनिट रेवेन्यू और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है उसको देखते हुए हम प्रॉफिट और लॉस डिटरमिन करेंगे। जबकि हम इक्विलिब्रियम के लिए मार्जिनल को कंसीडर कर रहे थे, मार्जिनल एक्चुअल में कोई लॉस या रेवेन्यू या कॉस्ट नहीं है, मार्जिनल कोई सिर्फ चेंजेस बता रहा है रेवेन्यू के अंदर और कॉस्ट के अंदर। तो हम फिर से कंफ्यूज ना हो जाएं, इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए, इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिटरमिन करने के लिए हम मार्जिनल को फोकस करेंगे, और प्रॉफिट लॉस का पता लगाने के लिए हम एक्चुअल में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को फोकस करेंगे। तो जब हमारा एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, एक यूनिट को बेचने पे हमें 25 रुपीज मिल रहे हैं लेकिन उसको बनाने में कॉस्ट 20 रुपीज ही आई थी, तो यानी मेरा प्रॉफिट, यानी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 5 रुपीज का। दिस इज द सिचुएशन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ लेट अस डिस्कस दिस, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय अ डायग्राम। आपको इसके साथ साथ डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस भी करनी होगी। मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ कि हम एक्स एक्सिस पे आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट ले रहे हैं। दीज लेबलिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने बना दिया एज इट इज एवरेज रेवेन्यू कर और मार्जिनल रेवेन्यू कर। सबसे पहले हमें प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन का एज इट इज डायग्राम बना देना है। अब आप यहाँ देखिए, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है इक्विलिब्रियम। ये फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये फर्म का इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये प्राइस जो कि इंडस्ट्री ने दी है, ये आउटपुट जो कि हमने यानी फर्म ने खुद ने डिसाइड किया है अपने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को देखते हुए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फर्म का इक्विलिब्रियम आ गया। नाउ वी नीड एन एवरेज
average cost curve. Average, we already have an average revenue curve which is an horizontal line. अब हमें एवरेज कॉस्ट कर्व चाहिए. अब हमें एवरेज कॉस्ट कर्व को इस तरह से बनाना होगा कि हमें वो कॉस्ट से ज्यादा आए. तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये रेवेन्यू कर्व है, एक कॉस्ट कर्व डिटरमिन करना है हमें. तो ये बना दिया मैंने एवरेज कॉस्ट कर्व. इस तरह से हमने एवरेज कॉस्ट को फॉर्म किया कि वो रेवेन्यू से नीचे रहे. अब आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है कि यह डायग्राम हमें रीड कैसे करना है, इसमें भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है. आप ये देखिए कि यह हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल था OQ. आपको इस आउटपुट लेवल को पकड़ के रखना है और आप देखिए इस आउटपुट लेवल पे रेवेन्यू कितना आ रहा है, कॉस्ट कितनी आ रही है. अगर मैं एक फर्म इतना आउटपुट बनाती है तो फर्म को एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है EQ के बराबर. आप देखिए एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज EQ. लेकिन इसी पॉइंट पे फॉर्म की एवरेज कॉस्ट विच इज दिस एसी कर्व, एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट पे कितनी आ रही है, TQ. यानी रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट. तो ये ET के बराबर फॉर्म को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इस OQ आउटपुट लेवल पे द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द फॉर्म इज EQ, क्योंकि ये रेवेन्यू की लाइन यहाँ पे है तो रेवेन्यू इतना हो गया. एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द फॉर्म इज TQ, तो EQ माइनस TQ इज ET इक्वल्स टू प्रॉफिट. इस डायग्राम का एनालिसिस भी हमें साथ साथ सीखना होगा. हम लिखेंगे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू, कहाँ पे है हम EQ की बात कर रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू EQ. एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें इज इक्वल्स टू, ये हमारी कॉस्ट आ रही है TQ. और अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आया EQ माइनस TQ. Q से Q हम कैंसिल कर देते हैं, इक्वल्स टू ET. ET के बराबर हमारा प्रॉफिट आ गया. इसी तरह से अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें, यानी कि जब हम एवरेज के अंदर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाता है. तो हम बात करें टोटल रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू हम डिटरमिन करने के लिए हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टी पॉइंट से यहाँ वाई एक्सिस तक एक पॉइंट लगा देंगे और इसको नाम दे दिया हमने सी. अब आप देखिए अगर इफ आई टॉक अबाउट टोटल रेवेन्यू इज ओ पी ई क्यू. आप ध्यान से देखिए, दिस इज आर रेवेन्यू लाइन, टोटल रेवेन्यू इज ओ पी ई क्यू. सो टोटल रेवेन्यू बिकम्स ओ पी ई क्यू. एंड इफ आई टॉक अबाउट द टोटल कॉस्ट दैट इज ओ सी टी क्यू, इस पॉइंट पे हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ओ सी टी क्यू. अब अगर हम बात करें प्रॉफिट की कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ओ पी ई क्यू माइनस ओ सी टी क्यू. तो आप देखिए रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को लेस करेंगे तो दिस होल एरिया बिकम्स द प्रॉफिट, क्योंकि इतना हमारा रेवेन्यू था इतनी हमारी कॉस्ट थी. तो ये बचा हुआ पोर्शन क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, विच इज इक्वल्स टू पी ई सी टी. तो जो पी ई सी टी है वो हमारा प्रॉफिट हो गया. द रीजन इज बिकॉज ए आर इज ग्रेटर देन ए सी. आप इस एनालिसिस को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है. जब भी क्वेश्चन आता है आप सिंपली इस तरह से एनालाइज कर दो, ना कि आप एक एक लाइन में इसको लिखो. उससे क्या होगा, आपको टाइम भी सेव हो जाएगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगेगा. तो ये हमने बात की सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की. अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की. आप इस डायग्राम को पहले नोट कर लीजिए. तीन कंडीशन लेते हैं इक्विलिब्रियम की शॉर्ट रन में. फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, वेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे. उस केस में फर्म को ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं. तो इसको भी हम डायग्राम से देखते हैं. अगेन आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑन वाई एक्सिस. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन. ये हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू लाइन हो गया. एवरेज रेवेन्यू जो है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है. अब हम देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है इसमें. दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व. वो डायग्राम सेम ही रहेगा प्राइस और आउटपुट डिटरमिन करने तक. ये फॉर्म का आउटपुट हो गया, ये फॉर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. अब हमें एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो कुछ इस तरह से बनाना होगा
कि हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर आ जाए. दिस इज आवर एवरेज रेवेन्यू लाइन. हमें इस आउटपुट लेवल पे जो EQ हमारा एवरेज रेवेन्यू आ रहा है उतना ही क्या है कॉस्ट आएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा. हमें दिखाना भी नॉर्मल प्रॉफिट ही है. तो हम एक कॉस्ट कर्व इस तरह से ड्रॉ करेंगे जो इस ई पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा. दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व. आप देखिए वो ई पॉइंट को टच कर रहा है. AC और MC में रिलेशन तो हमें अगेन ध्यान में रखना ही है जो हम कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ते हैं. तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो गया. अब अगर हम बात करें एवरेज रेवेन्यू की, सो माय एवरेज रेवेन्यू एट दिस आउटपुट लेवल इज EQ. एवरेज रेवेन्यू कितना है हमारा EQ. इसी आउटपुट लेवल पे फर्म को एवरेज कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, EQ ही बढ़ रही है. सो EQ, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, EQ माइनस EQ इज इक्वल टू जीरो. जीरो प्रॉफिट, दैट इज उसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. इसी तरह से टोटल रेवेन्यू की बात करें, टोटल रेवेन्यू जो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस होल एरिया बिकम्स द टोटल रेवेन्यू, दैट इज OPEQ. सो OPEQ इज माय टोटल रेवेन्यू एंड OPEQ ही हमारा क्या है, कॉस्ट है. कॉस्ट के बराबर ही रेवेन्यू है. तो OPEQ माइनस OPEQ इज इक्वल टू जीरो बिकॉज AR इज इक्वल टू AC, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है. तो ये हमारा एनालिसिस हो गया सेकंड डायग्राम का, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट. अब हम लास्ट सिचुएशन देखेंगे. फर्म को लॉस भी हो सकता है क्योंकि शॉर्ट रन है. तो लॉस के केस में क्या होगा, जब एवरेज रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा एवरेज कॉस्ट से, AR इज लेस देन AC. तो इसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं. ये हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है, सिमिलर सेम ही है पहले की तरह. और ये हमने बना दिया एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व. ये हमारा हो गया आउटपुट लेवल, दैट इज OQ. इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, वेयर MR इक्वल्स टू MC. अब हमें कॉस्ट कर्व इस तरह से ड्रॉ करना है कि हमें लॉस दिखे. तो ये हमारा रेवेन्यू है, तो हम इस तरह से कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करेंगे कि हमारा कॉस्ट जो है रेवेन्यू से ज्यादा जाए. ओनली देन वी विल बी एबल टू शो द लॉस इन द डायग्राम. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बार एवरेज रेवेन्यू कर्व को यहाँ पे ऊपर बना देंगे. इस एवरेज रेवेन्यू लाइन से, इस एवरेज रेवेन्यू लाइन से कॉस्ट कर्व हमने ऊपर ले लिया है. फर्स्ट डायग्राम में हमने नीचे लिया था प्रॉफिट दिखाने के लिए कॉस्ट को, फिर कॉस्ट को रेवेन्यू के बराबर किया. इस बार कॉस्ट को हम रेवेन्यू से अबव कर रहे हैं ताकि हमें लॉस शो हो सके इसी डायग्राम के अंदर. अब अगर हम ये देखें इस डायग्राम को इंटरप्रेट कैसे करना है, हमें देखेंगे कि OQ आउटपुट पे फर्म को रेवेन्यू तो EQ मिल रहे हैं, लेकिन इसी OQ आउटपुट पे फर्म की कॉस्ट कितनी आ रही है. इसके लिए हम इस लाइन को ऊपर बढ़ाएंगे. कॉस्ट फर्म को आ रही है TQ के बराबर. फर्म का रेवेन्यू है EQ एंड TQ इज ग्रेटर देन EQ ऑब्वियसली. तो हम लिखेंगे कि एवरेज जो रेवेन्यू है फर्म का, दैट इज EQ. एवरेज कॉस्ट आ रही है फर्म की TQ. एवरेज लॉस कितना हुआ फर्म का, दैट इज EQ माइनस TQ. अब आपको पता है EQ जो है वो कम है TQ से, तो हम इस तरह से लिखेंगे लॉस फर्म को हो रहा है इक्वल्स टू TE के बराबर. इसको मैं क्योंकि नेगेटिव में आएगा TE को मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ. तो ये TE के बराबर फर्म का क्या हो गया, लॉस हो गया. पर यूनिट लॉस फर्म को इतना हो रहा है. अब अगर टोटल लॉस की बात करें तो इसको हम इधर मिला देते हैं इस लाइन को. यहाँ पे मैंने सी पॉइंट नाम दिया है. तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि फर्म का जो लॉस आ रहा है वो इस पॉइंट के बराबर है, इस शेडेड एरिया के बराबर. दिस शेडेड एरिया डिनोट्स द लॉस, क्योंकि OPEQ हमारा रेवेन्यू है टोटल और OCTQ फर्म का टोटल कॉस्ट है. तो कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो ये एरिया प्रॉफिट हो गया. तो टोटल रेवेन्यू इज OPEQ, टोटल कॉस्ट इज OCTQ, टोटल लॉस बिकम्स, यहाँ पे मैं लॉस लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू CTPE. ये इतना लॉस फर्म को हो रहा है. तो ये सारी थी शॉर्ट रन सिचुएशन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की. शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं. और ऐसा नहीं है कि लॉस होने लगे तो शॉर्ट रन में फर्म मार्केट छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि शॉर्ट रन के अंदर फिक्स कॉस्ट का भार बहुत ज़्यादा रहता है. तो वो शॉर्ट रन के अंदर ये डिसीजन नहीं लेती, ये डिसीजन मेकिंग होती है लॉन्ग रन में कि मुझे फर्म को, इस इंडस्ट्री को, इस फर्म को कंटिन्यू करना है या इसको शट डाउन कर देना है. तो ये हमने देखा शॉर्ट रन से.